नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर पुलिस ने दो अलग मामलों के तहत अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी व नशा तस्करी करने वाले कुल 5 आरोपियों को किया काबू। जालंधर की सीआईए टीम ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को किया काबू। 10 देसी पिस्तौल, 32 बोर, 10 मैगजीन की बरामद। जंडियाला गुरु पुलिस ने नशा बेचने वाले, लूटपाट तथा चोरी करने वाले 4 आरोपियों को किया काबू। 300 ग्राम हेरोइन, 3,10,000 रुपए की ड्रग मनी, 2 मोटरसाइकिल, दातर व मोबाइल फोन किया बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के मुख्य सदस्यों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान अमृतपाल सिंह उर्फ कालू निवासी तरन तारण के रूप में हुई है, जो कि 12वीं पास है और प्लम्बर का काम करता था। पुलिस ने उक्त आरोपी को गांव भैणी थाना छेरट्टा अमृतसर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 13 पिस्तौल, .32 बोर, 24 मैगजीन, 2 जिंदा रोंद भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी तरन तारण के अलग अलग क्षेत्रों में गलत तत्वों को अवैध पिस्तौल सप्लाई करता था, जिसके चलते आरोपी ये पिस्तौलों की सप्लाई करने जा रहा था। आरोपी की i20 कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस ने एक और मामले में नशा तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 किलो हेरोइन, 9 लाख रुपए की ड्रग मनी और 1 इनोवा गाड़ी भी बरामद की है। ये सभी आरोपी अमृतसर शहर के अलग अलग इलाकों में हेरोइन की सप्लाई करते थे और अब भी इनोवा कार पर हेरोइन की खेप की सप्लाई करने जा रहे थे, जिन्हें काबू कर लिया गया। फिलहाल सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर गहनता से पूछताछ की जाएगी, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है। 3 किलो हीरोइन फड़ी गई है, बरामद हुई है। 1 इनोवा कार ते 9 लाख ड्रग मनी कैश ये फड़िया गया है। इहदे च 4 मुलजम ने जिहड़े गिरफ्तार होए है, विक्रमजीत सिंह, रिशपाल सिंह, गौरव उर्फ काली ते साहिल कुमार। ये जिहड़ा रिशपाल है, किंग पिन है, इस जिहड़ा ड्रग कार्टल है उहदे च पुराने पहले भी इतने मुकदमे दर्ज है। एक सराया अमानत खान का है, एक लोपोके थाने का भी है। सो बेसिकली ये जेल के विचों ही सारा संपर्क होया। और जे आप देखिए तो इन्हों प्रोफेशन वाइज ज़्यादातर कोई ऑटो चला रहा, कोई टैक्सी चला रहा, तो रिशपाल सिंह ने सारे उन्होंने क्लब किया तो अपना नैटवर्क चलाया। सो मैं समझदा कि बहुत वड्डी साडी टीम की कामयाबी है, जिस मिस्टर हरप्रीत मंडेर ने, अभिमन्यु राणा जी ने, तो प्रभजोत विरक ने, साढ़े कमलजीत ते अमोलक, ये इन्हों का बड़ा अच्छा कारगुजारी रही है। और मैं सारी टीम को मुबारकबाद दिना। नैक्सट जिहड़ा दूसरा हैगा वो साड़ी CIA 2 की टीम ने इंस्पैक्टर दिलबाग सिंह ते सारे ऑफिसर की रहनुमाई वो 13.32 बोर के पिस्टल बरामद किए। ये भी मध्य प्रदेश तो आए थे। और एक जिहड़ा पुराना क्रिमिनल है अमृतपाल सिंह, ये खिलाफ़ पहला भी जेडे 8 मुकदमे दर्ज ने वक्रे वक्रे पुलिस स्टेशन स्पेशली तरन तारण ते अमृतसर रूरल दे विच। पुलिस कमिश्नर जालंधर स्वप्न शर्मा की अगुवाई में CIA की टीम ने मध्य प्रदेश से अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान दिलप्रीत सिंह उर्फ दिल और अजीत पाल सिंह उर्फ शालू, दोनों निवासी गुरदासपुर के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि DSP इन्वेस्टिगेशन हरविंदर विर्क, ACP इन्वेस्टिगेशन परमजीत सिंह की अगुवाई में CIA स्टाफ के इंचार्ज सुरेंद्र कुमार की टीम ने परागपुर लिंक रोड पर नाकाबंदी की हुई थी।
इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि दो आरोपी जो कि मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लेकर पंजाब में सप्लाई करते हैं, उनके पास भारी मात्रा में अवैध हथियार है और वे अवैध हथियारों की सप्लाई देने के लिए परागपुर चौक की ओर जा रहे हैं। इस दौरान नाकाबंदी कर फगवाड़ा की ओर से आ रहे संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो उनके पास से 10 देसी पिस्तौल, 32 बोर और 10 मैगजीन बरामद किए गए। दोनों आरोपियों ने एक एक वेपन अपने पास भी रखा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर के CIA स्टाफ नूं उदों सफलता मिली जदों CIA स्टाफ ने दो व्यक्तियों नूं 10 असलियां दे नाल गिरफ्तार किया। इसी उत्ते गलबात करने लई साडे नाल मौजूद है जालंधर दे पुलिस कमिश्नर, गलबात कर लैने। सर, की आ पूरा मामला, किदां गिरफ्तारी हुई? ਇਹ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਜੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, 21 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਨ ਰਨਿੰਗ ਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ CIA ਸਟਾਫ ਨੇ ਬਸਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 10 ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ। ਇਹ MP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, 3-4 ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਸਰ, 10 ਵੈਪਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵੈਪਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਏ ਨੇ ਸੀਗੇ, ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਡਬਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ? ਰਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ। ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਕੋਰਸ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ। ਇਹ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਨਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਲ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਸੁਰਾ ਟੀਵੀ, ਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਲੁੱਟਪਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਥਾ ਚੋਰੋ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰੋਪੀਓ ਕੋ ਪਕੜਨੇ ਮੇਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਹੈ। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि नशा बेचने वाले विजय निवासी देवीदासपुरा को काबू कर उसके पास से 300 ग्राम हेरोइन और 3,10,000 की ड्रग मनी भी बरामद की है। तो वहीं दूसरे मामले में आरोपी अली दीन को मोटरसाइकिल चोरी करने और आकाशदीप सिंह लवप्रीत सिंह निवासी गुन्नेवाला को लूट के मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और दातर सहित काबू किया गया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ थाना जंडियाला गुरु में पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। चोरियां स्नैचिंगा दा काफ़ी चल रहा है, इस संबंध च स्पैशली ऑपरेशन चले ने, ते साडियां वख-वख पुलिस पार्टियां ने 3 प्राप्तियां कामयाबियां 2 दिन च कीतियां, जिहदे विच लेडी तो मोबाइल स्नैच करके 2 मुंडे आकाशदीप ते लवप्रीत गुन्नोवाल पिंड भजे सी, ते इमीडिएटली पिछा करके पब्लिक दे सहयोग नाल पुलिस पार्टी ने काबू कर लिया। इन्हां दे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके स्नैच हुए मोबाइल, इन्हां दा मोटरसाइकिल रिकवर कर लिया जी, ते इन्हां दा इस तों अलावा दूसरा एक इत्थे मोटरसाइकिल चोरी कर रहा सी, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੋਰਾਂ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਕੋਲੋਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 3,10,000 ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ CIA ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇ 103ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਕੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਉਨਕੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਜੋੜਾ ਘਰ ਮੇਂ ਜੋੜੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਗਈ। ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀ ਗਈ। ਗੌਰਤਲਬ ਰਹੇ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇ ਨੇਤਾਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਂਗੇ।
इस मौके पर श्रोमणी अकाली दल की यूथ प्रधान बंटी रोमाना और तलवीर सिंह गिल भी अकाल तख्त साहिब पर नतमस्तक हुए। इस मौके पर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल की ओर से श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ किए गए हैं। दो दिन तक पार्टी के वरिष्ठ नेता यहीं पर रहेंगे और सेवा करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। लीडरशिप ते वर्कर समान तापना जिसने इस संबंध में हरिमंदर साहब आके उन्होंने खंड पाठ साहब से आरंभ कराए। आज दो दिन वर्कर इतने रहेंगे, लीडरशिप इतने रहेगी, सेवा करूंगी। तो 14 तारीख को जो स्थापना दिवस है उत्थे भोग पैणगे, अरदास करके असीं इत्थों जावांगे। श्रोमणी अकाली दल खालसा पंथ की फौज है। 103 साल पहले कौम की लड़ाइया लड़न वास्ते बनाई गई सी, एंड पिछले 103 साल के अंदर जो इतिहास गवाह है जुल्म के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी किसी ने देश में कल्ली श्रोमणी अकाली दल ने। गुरु रामदास पातशाह जी का मेरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का वोट आसरा लैके हमेशा श्रोमणी अकाली दल ने मेरी पीरी के सिद्धांत से चलन की कोशिश की है। तो हर साल इतने स्थापना दिवस से आके नतमस्तक होके जाने अनजाने च की हुई बेअंत भुला बखशाण वास्ते तो अगे वास्ते सोझी तो समत की अरदास करते हुए मालिक के चरणों में सारी पार्टी हाजिर होंगी है। 3 दिन इतने रह के सेवा सिमरन करके गुरु की खुशियां लैके इस स्थापना दिवस से हमेशा श्रोमणी अकाली दल की चढ़ती कला होए। सूबे की खेतरी पार्टी पंथ पंजाब पंजाबीयत की गल करन वाली 103 साल पुरानी पार्टी, शायद हिंदुस्तान की सब तो पुरानी पार्टी, क्योंकि दूजी जी पुरानी पार्टी है वह हिंदुस्तानियों वालों नहीं बनाई गई। ये वो पार्टी जिन्हें देश की आज़ादी तो पहले अपने गुरुधामों आज़ाद कराया सी, ते महात्मा गांधी ने कहा आज़ादी की पहली लड़ाई जंग जीती गई है। जालंधर वेस्ट क्षेत्र से आप विधायक शीतल अंगुराल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें विधायक शीतल अंगुराल के खिलाफ अदालत में कोरोना काल के दौरान चल रहे केस में बड़ी राहत मिली है। दरअसल अदालत में सुनवाई के दौरान माननीय जज ने विधायक शीतल अंगुराल को बरी कर दिया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए आप विधायक शीतल अंगुराल ने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस सरकार द्वारा उन पर झूठा केस दर्ज करवाया गया था, जिसमें माननीय अदालत ने उन्हें निर्दोष साबित करते हुए बरी कर दिया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सारे सोतों यह कह कि जी सच्चाई की जी जित है वह अज हुई है। जी मैं 3 साल पहले कहता रहा 29/4/2020 में मैं बहुत मीडिया के माध्यम के नाल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि मेरे उत्ते उस टाइम की मौजूदा कांग्रेस सरकार धक्का कर रही है, मेरी छवि खराब करने के लिए मेरे ते मुकदमा दिता जा रहा, क्योंकि मैं उस टाइम कोविड का बहुत जरा तेजी के नाल जी बीमारी का जरा वास मेरे हल्के बहुत तेजी नाल यह बीमारी फैल रही थी। असी लोग उस टाइम अपनी संस्था के माध्यम के नाल लोगों की सेवा कर रहे थे। कई लोगों को वो सेवा जी मेरी नहीं पसंद सी, कई लोगों को यह कि मैं कित मेरा जरा कद अगे ना वध जाए, मेरी उस चीज़ देखते हुए कि मेरे ते जैलसी दे नाल लगा लो, रंजिश दे नाल लगा लो, किसी तरीके ना मेरे ते FI लॉन्च की गई। आ नहीं इस अलावा होर भी की गई, मैं बारी बारी कुछ केसों के मैं पहले भी निकल चुका जिन्हों के केसों में मैं बरी भी हो चुका। अज उदा एक केस होर है जिसे मैं पूरा विश्वास से कोर्ट के उत्ते, मैं पूरा यकीन सी कि अदालत के उत्ते कि मैनू जो मेरा मेरी भावना सी मन की कि मैं इस केस के नहीं हाँ, मैं तो झूठा मुकदमा दिता गया। अज मैं कोर्ट जिथे तक मैं याद है जो तुहाडे FIR जिस केस की FIR लॉन्च की तुसी उत्ते किसी परिवार की मदद कर गए थे। बिल्कुल जी, मैं मदद कर गया सी उत्ते, किसी परिवार को सिलेंडर की लोड़ सी कोविड के, मेरी संस्था काम कर रही थी अखिल भारतीय दली सेवा समिति अंबेडकर विचार मंच वालों, असी सारे साथी उस टाइम जिहड़ा समाज के तौर के उत्ते इलाके दे विच लंगर की सेवा करते रोज़, किसी ने कोई होर कोई मैडिकल जरूरत सी जां किसी के परिवार के किसी तरीके की कोई जरूरत सी, मेरी जिहड़ी संस्था है वो लोगों के घर उन्हां दी हैल्प करन जांदी सी। इदां ही मैनू भी कोई कॉल आई सी कि सिलेंडर चाहिए किसी को, मैं सिलेंडर देने दे लई गया सी, पर मेरे नाल साजिश प्लानिंग दे नाल मेरे ते मुकदमा दर्ज कीता। BJP पंजाब SC सेल का वाइस प्रेसिडेंट बनने पर रोबिन सांपला को श्री राम मंदिर जालंधर छावनी में सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व उपाध्यक्ष हरविंदर सिंह पप्पू, मंदिर प्रधान कमल चौहान व उनके साथियों द्वारा रॉबिन सांपला को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर अक्षय गौरवबाली, आशु जालंधरिया, कमल बिल्ली, पंडित राजकुमार रणदीप सोडी, लक्ष्य सोडी, उषा रानी, प्रभदयाल, अरुण कुमार भी मौजूद रहे। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जय पी, जय भारत। बहुत ही सत्कार योग आज कैंट मंदिर दे विच, सनातन धर्म मंदिर दे विच, रामा मंदिर दे विच जो मैनू सन्मानित किया गया और प्रभु राम जी का आशीर्वाद मिलन का सौभाग्य प्राप्त होया, मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ पप्पू जी का, चेयरमैन साहब का, पूरी मंदिर कमेटी का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मैनू पंजाब के एससी मोर्चा का वाइस प्रधान बनने मंदिर बुला के सम्मानित किया और प्रभु का आशीर्वाद लैन का सौभाग्य प्राप्त होया। माँ काली जी, खाटू नरेश जी, बाबा जी बालकनाथ जी, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, माँ सीता जी, हनुमान जी, माँ काली जी, मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ पूरी मंदिर कमेटी का और जिन्हें भी इतने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और मैं इन्हों विश्वास दिलाना कि जिथे भी कित, वैसे तो ये सारे बड़े सक्षम ने अपने अपने कार्यक्रम कार्यालय अपने अपनी फील्ड के, पर जे कि मैं जरूरत पैंती इन्हों कि मेरी तो मैं मंदिर के इन्हों विश्वास दवाना खड़ा हो के कि मैं ना कभी पहला पिछे लोग सेवा हटिया तो मैं ना अगे कभी घट करा। जो कि साडा भरा छोटा भी है वड्डा भी है और साढ़े विजय सांपला जी की जो कि छतर छाया इन्हों जो एससी मोर्चा पंजाब का जो कि वाइस प्रधान बनाया, सानू बड़ी खुशी हुई है श्री सनातन धर्म रामा मंदिर वालों, सानू बहुत ज़्यादा खुशी हुई और असी इन्हों बेनती की कि इतने आ के प्रभु राम जी का, काली माता जी का, सारे देवी देवत्या आशीर्वाद लो। और अज ये चेचे तोड़ के चिंतपुनी माता के दरबार च गए से, ये इतने आए, सानू बड़ी खुशी है कि भी असी ये अपना भरा हैगा, इदा ही ये बहुत चढ़दियाँ कला च रहे। सांपला जी भी, ये भी ये साडा छोटा भरा, सानू बड़ी खुशी, दिलों खुशी है कि भी ये साडी जान है, सानू कोई पार्टी वाइज का नहीं मतलब हैगा आ कि जो काम अच्छा करता सी उहदे नाल आ। असी श्री सनातन धर्म रामा मंदिर वालों इन्हां नू मां चिंतपुर्णी का आशीर्वाद दे के सम्मानिया। अज जय श्री राम, जय श्री राम। श्री सनातन धर्म अध्यक्ष कमल चौहान, प्रबंधक कमेटी पप्पू जी, साढ़े राजेंद्र कुमार पुजारी जी, लक्ष्य जी, अज प्रबंधक कमेटी वालों रोबिन सांपला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कि वाइस प्रधान रो एस सी का मनाया गया है, उन्हों का असं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इतने पहुँचने के उत्ते श्री सनातन धर्म रामा मंदिर वालों। आज हम सभी के लिए ये बड़ा खुशी का मौका है कि इस बीच में आज हमारे साथ में हमारे भाई रोबिन जी, रोबिन सांपला जी, जो कि विजय सांपला जी के सपुत्र हैं, जिनको पंजाब का एससी का मोर्चे का प्रधान बनाया है और इसके लिए आज रामा मंदिर प्रबंधक कमेटी ने हमारे भाई चेयरमैन हरविंदर सिंह जी पप्पू, प्रधान कमल चौहान जी अध्यक्ष और सारी कमेटी कार्यकारिणी आज यहाँ पर हार्दिक स्वागत करने के लिए इनके लिए खड़ी हुई है। और हम लोग भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं, रोबिन जी, सांपला जी, ये भगवान ने जो आज इनको ओहदा दिया है इसमें इनको कामयाबी दें और ये इसी प्रकार जनता की सेवा भी करते रहें। प्रसिद्ध पंजाबी गायक पम्मी बाई सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु घर में माथा टेक सरबत के भले की अरदास की, तो वहीं वाहेगुरु जी का शुक्राना भी अदा किया। उन्होंने कहा कि स्थान पर आकर मन को जो खुशी और सुकून मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। वहीं उन्होंने बताया कि एक नया ट्रैक ट्रॉला ऑन हाईवे रिलीज किया है, जिसके चलते वे गुरु घर में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उनका अपना पम्मी बाई यूट्यूब चैनल है जिस पर यह तीसरा गाना रिलीज किया गया है। इससे पहले दो गाने इस ट्रैक पर वे रिलीज कर चुके हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि वाहेगुरु जी के समक्ष ये वे अरदास कर रहे हैं कि हमारा पंजाब नशा मुक्त हो और लोग फिर से पंजाबी माँ बोली से जुड़े और पंजाबी माँ बोली का अधिक से अधिक प्रचार और सत्कार हो। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो जी, सचखंड दरबार साहब आके जो मन को खुशी मिलती है, जो शांति मिलती है, विशेष तौर पर पटियाले चल के जब मैं इतने आईदा
ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜੀਆਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲਕਾਈ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ। ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕ ਟਰਾਲਾ ਔਨ ਹਾਈਵੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੀਜਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਗਾਣੇ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸ਼ਕੇ ਉਹ 2 ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਜਾ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के होने वाला उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में पीले चावल के कलश भेजे गए हैं। इसी के चलते फिरोजपुर में भी कलश भेजे गए जिसको लेकर फिरोजपुर वासियों में काफी उत्साह का माहौल है। इस संबंधी फिरोजपुर छावनी स्थित वृद्धाश्रम के प्रधान हरीश गोयल और विश्व हिंदू परिषद के सेक्रेटरी नरेश गोयल ने बताया कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण हेतु 22 जनवरी को होने वाले उद्घाटन के उपलक्ष्य में फिरोजपुर में कलश भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि इस कलश यात्रा द्वारा घर घर में संदेश देना है कि सभी लोग उस दिन मंदिर पहुंचकर भगवान राम के नाम की पूजा करें। तो वहीं यह कलश यात्रा फिरोजपुर छावनी के बाजारों से होते हुए नन्ना मंदिर में पहुंची जिसका भक्तों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। 22 जनवरी को श्री राम जी के भव्य राम मंदिर के ओपनिंग सेरेमनी के निमंत्रण के लिए वहां से पूजा कर अक्षत पूरे भारतवर्ष में कलश भेजे गए हैं जो अक्षय पूरे भारतवर्ष के हर परिवार के घर में जाएंगे। ये पीले चावल हर परिवार को निमंत्रण के लिए है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के बनने के बाद आप वहाँ दर्शन के लिए आइए और राम जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। 500 सालों बाद ये मौका हमारी पीढ़ी को मिलने जा रहा है जिस वजह जब ये राम मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है, भव्य श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना 22 जनवरी को होने जा रही है। सभी देशवासियों से अपील है कि श्री राम मंदिर में जरूर अपने परिवार सहित पहुँचें और दर्शन करें। जय श्री राम। आज फिरोजपुर का सौभाग्य है कि यहाँ पर अयोध्या जी में जो प्राण प्रतिष्ठा में चावल इस्तेमाल हुए थे, अक्षत इस्तेमाल हुए थे, वो फिरोजपुर में कलश पहुँचा है। जो ये अक्षत हर घर में पहुँचाए जाएंगे और लोगों को निमंत्रण किया जाएगा कि हर मंदिर आपके आस पड़ोस में जो भी मंदिर है वो राम मंदिर ही है। और जो ये प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा, वो अपने घरों में ना बैठकर अपने पास के मंदिर को मंदिर राम मंदिर समझकर वहां पर जाकर उसका भव्य स्वागत करें। वह मंदिर में बैठकर उस समय तक पूजन पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, वह राम धुन का उच्चारण करें। और सभी को जो निमंत्रण दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है कि जब 500 साल के इतिहास के बाद बलिदान के बाद में जो ये भगवान राम को द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जैसे 14 साल के वनवास के बाद में हमारे को हम दिवाली आज तक मनाते आ रहे हैं हजारों साल से, ये दिवाली को भी दिवाली से भी बड़ा कुछ बड़ा नाम देकर इसको हर साल मनाया जाए, ऐसा निमंत्रण हम सभी को दे रहे हैं। जय श्री राम। 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। इसी के तहत अमृतसर के गोल्डन गेट से मसीही भाईचारे की ओर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें पंजाब भर से यीशु मसीह से प्यार करने वाले लोग पहुंचे। इस मौके पर मसीही भाईचारे के नेताओं ने कहा कि अमृतसर के गोल्डन गेट से ये शोभा यात्रा शुरू होकर अमृतसर के अलग अलग बाजारों से होते हुए सुल्तानविंड गांव की चर्च में जाकर संपन्न होगी जहाँ संगतों के लिए खाने पीने का पूरा प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह किसी जाति के लिए नहीं, किसी मजहब के लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया के मुक्तिदाता बनकर धरती पर आए थे। जो भी यीशु मसीह को कबूल करता है, प्रभु उसके पापों को
माफ करते हैं। उन्होंने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सब मिलजुल कर प्रेम से रहें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हाँ जी, सारे नु जय मसीह दी। मैं प्रभु दा दास पास्टर सुखदेव गिल, मंदिर वाले प्लाट न्यू अमृतसर के गेट के बिल्कुल सामने हाँ। और अज मैं धन्यवाद करदा कि साढ़े विच प्रभु दे दास वख वख जगह तो पहुँचे आ और मीडिया भी साढ़े विच पहुँची है। असी गोल्डन गेट तो शोभा यात्रा लैके चल रहे हैं। मैं धन्यवाद करदा परमेश्वर का और आए हुए सब भैन भरावां दा। वेखो जी, संगतां तकरीबन सारे शहर के आ रही और शहर तो बाहर भी ब्यास तो आ रही, रईए तो, तरन तारण तो, बटाले वाली साइड तो, सब पास्यों प्रभु के लोग प्रभु के दास पहुँच रहे जी। हाँ जी, बहुत सारा सोहना प्रबंध है और मैं प्रशासन का धन्यवाद करदा कि जिन्होंने वधिया उपराला किया है और वधिया साडा साथ दिता है। मैं प्रशासन का भी बहुत दिलों धन्यवाद करदा जी। मैं कहा जी काफ़ी बहुत सारिया गड्डिया लगी हुई, बेशक तुम कैमरिया देख सकते हो क्योंकि प्रशासन ने बहुत भरमा हुंगारा दिता है, साडा बहुत वड्डा साथ दिता जी। रणजीत कुमार है जी, मैं मिशन हेल्प फाउंडेशन तो प्रेजिडेंट हाँ। मेरे नाल मेरे वीर पवन सभरवाल जी जो मिशन हेल्प फाउंडेशन के चेयरमैन ने, और अज बड़ी खुशी की गल है कि असी सब मिल के जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर यह शोभा यात्रा लैके चल रहे हैं और साढ़े विच साढ़े संत पास्टर सी एल चार्ल जी और होर दूरों दूरों आए संत साहबान साढ़े विच पहुँचे आ, और मेरे नाल श्री सुखदेव गिल जी पास्टर जी जिन्हों का बड़ा वड्डा योगदान है इस सारे शोभा यात्रा दे विच, जिन्होंने द्वारा सारा इंतजाम किया गया, प्रभु ने कृपा की है और प्रशासन का सानू बहुत वड्डा सहयोग है और बहुत संगत भी हुम हम आके पहुँची है। सो मैं धन्यवाद करदा पहला तो जिन्हें भी तुसी मीडिया कर्मी आए हो, मैं सब का धन्यवाद करदा और जिन्हें लोग इस जगह पर पहुँचे ने मैं उन्होंने भी धन्यवाद करदा। देखो जी, प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म दिहाड़ा 25 दिसंबर नूं होया, 24 दी रात नूं प्रभु यीशु ने जन्म लिया और 25 नूं प्रभु यीशु का क्रिसमस का त्यौहार जिहड़ा सारी दुनिया के विच बड़िया खुशियां ते चावां दे नाल वर्ल्ड लैवल पर मनाया जाता है, और अज उसी खुशी दे विच जो अज इस गोल्डन गेट तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के वो जन्म दिहाड़े की खुशी के जी शोभा यात्रा अज इतों कढ़ी जा रही है, जी तकरीबन शहर के विचों की होंगी हुई वापस जी सुल्तान पिंड तक पहुँचेगी। शोभा यात्रा में की कुछ खास आज? अज जगह जगह स्टेजा लगिया हुई जी, उत्थे जगह जगह थोड़ा प्रचार का भी होएगा, कुछ जड़े आ लंगर का भी खाने का बहुत जगह जगह इंतजाम हैगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी का संस्कार दिवस जो कि 21 दिसंबर को श्री आनंदपुर साहिब में मनाया जाएगा, इस संबंधी 17 दिसंबर को विशाल नगर कीर्तन गुरुद्वारा शीशगंज से शुरू होकर 20 दिसंबर को आनंदपुर साहिब में पहुंचेगा। इस संबंधी जानकारी देते हुए दशमेश तरना दल के मुखी मेजर सिंह सोडी ने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद भाई सतीदास और भाई मतीदास की ओर से गुरु जी का शीशगंज दिल्ली से आनंदपुर साहिब ले जाकर संस्कार किया था, जिस संबंधी 21 दिसंबर को उनके संस्कार दिवस के रूप में मनाने के लिए एक विशाल शीश भेंट नगर कीर्तन 17 दिसंबर को दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर अलग अलग पड़ावों से होते हुए 20 दिसंबर को आनंदपुर साहिब में पहुंचेगा, जहां 21 दिसंबर को उनका संस्कार दिवस मनाया जाएगा। इसलिए उन्होंने संगतों से विनती की है कि वे बढ़ चढ़कर इस नगर कीर्तन और संस्कार दिवस में भाग लें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जो दा जहेदर मेजर सिंह सोडी मुखी दशमेश तरनादार, जो साडे समुचियां रंगरेटा निहंग सिंह जथेबंदियां दे वल्लों निहंग सिंह दला पंथां दे वल्लों जिहड़ा हर साल ही धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज धर्म की चादर जिन्हां ने देश की एकता ते अखंडता नूं कायम रखण वास्ते अपने शरीर का बलिदान दिल्ली के शीशगंज साहब गुरद्वारा साहब विखे दिता सी, उन्हां दे नाल महान शहीद धन धन बाबा मतीदास जी, बाबा सतीदास जी, बाबा दयाला जी, जिन्होंने महान कुरबानी करके देश दे गलों जिहड़ियां गुलामी दीआं जंजीरां लाईआं, ते धन साहिब बाबा जीता जी भाई जीवन सिंह जी जिन्होंने सतगुरां दे पावन शीश की सेवा की
दिल्ली तो आनंदपुर साहब तक लैके आने की। सो सतगुरों के उस माण शीस मार्ग से सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के शहीदी दिहाड़े वाले दिन दिल्ली तो गुरद्वारा शीसगंज साहब तो 17 दसंबर दिन ऐतवार 2023 वाले दिन जिहड़ा महान विशाल शीस भेटा नगर कीर्तन आरंभ होगा, जिसके संबंध में अज असी सारे निहंग सिंह दलां पंथां दे मुखी सरबानां दे समेत श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के दफ्तर प्रधान साहब नूं मिलने वास्ते पहुंचे हां, तां जो जिहड़े सुचज्जे प्रबंध हन ओह अगे हो सकन। हरीश अग्रवाल जो कि अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनके आत्मिक शांति हेतु रस्म पगड़ी श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय हरीश अग्रवाल की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व मेयर जगदीश राज राजा सहित पारिवारिक सदस्यों में बेटा मुनीश अग्रवाल, अनुभा अग्रवाल, आशु गुप्ता, आशीष गुप्ता, अनु अग्रवाल, चिराग अग्रवाल, खुशी, सहर्ष अग्रवाल, अक्षित, कृषांग, अलीशा सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय हरीश अग्रवाल को श्रद्धांजलि भेंट की। एक जीवात्मा जिस समय इस संसार रूपी माया नगरी में आंखें खोलती है तो जन्म के साथ ही आंखें खोलते ही वो माया से प्रभावित हो जाती है और उसके कारण इस माया में वो इतना रच बस जाता है कि उसके हृदय में, उसके मन में इस माया के प्रति इच्छाएं और कामनाएं पैदा हो जाती हैं और सारा जीवन वो इन्हीं इच्छाओं को, इन्हीं कामनाओं को पूर्ण करने में लगा देता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं इंसान के जीवन में जिस समय इन कामनाओं का आगमन होता है तो उसके जीवन में उसका जो लक्ष्य है उसका उसको वह बिसर जाता है, उसको वह भूल जाता है। जैसे स्वामी रामन तीर्थ जी एक बड़ा ही सुंदर एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया करते हैं इस विषय में। वो कहते हैं मान लीजिए कि एक स्त्री अपने मुख पर घूंघट डालकर दर्पण के सामने बैठे, एक मिरर के सामने बैठे तो जिस प्रकार से वो अपना चेहरा नहीं देख सकती है ना, क्योंकि उसने अपने मुख को ढका हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जब इंसान की आंखों पर भी इन कामनाओं का आवरण आ जाए, इन कामनाओं का घूंघट आ जाए तो वह भी अपने जीवन के लक्ष्य को, अपने जीवन के प्रमुख उद्देश्य को वो कभी देख नहीं पाता है। ये कामनाएं इंसान को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर घसीटती है और जीवन का लक्ष्य वो परमात्मा कहीं दूर छूट जाता है। एक बार महात्मा बुद्ध जी अपने भिक्षु संघ के साथ कहीं जा रहे थे और भिक्षु संघ में उनका ही पुत्र राहुल भी उनके साथ चल रहा था। चलते चलते राहुल के मन में विचार आया, काश कि मेरे पिता महात्मा बुद्ध ने संन्यास नहीं लिया होता तो आज मेरे पिता सम्राट होते, अनेकों दास दासियां हमारे चक्कर होते, तो आज मेरे पिता सम्राट होते और मैं राजकुमार बनकर अपने सुंदर जीवन को जी रहा होता। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर पुलिस ने दो अलग मामलों के तहत अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी व नशा तस्करी करने वाले कुल 5 आरोपियों को किया काबू। जालंधर की सीआईए टीम ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को किया काबू। 10 देसी पिस्तौल, 32 बोर, 10 मैगजीन की बरामद। जंडियाला गुरु पुलिस ने नशा बेचने वाले, लूटपाट तथा चोरी करने वाले 4 आरोपियों को किया काबू। 300 ग्राम हेरोइन, 3,10,000 रुपए की ड्रग मनी, 2 मोटरसाइकिल, दातर व मोबाइल फोन किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।